जोहार, नमस्कार। आप सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप होली एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत लोगों ने होली को एंजॉय कर लिया होगा। तो बस थोड़ा सा समय था तो हम सोचे कि कुछ दो चार मिनट आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो आप लोग जो है बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत दिल से आप लोगों का आभार, जोहार और धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत कम समय में बहुत प्यार दिया है, तो आप सभी दर्शकों को दिल से मेरा धन्यवाद। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप लोग सिर्फ एजुकेशन के बारे में एजुकेशन का वीडियो बनाते हैं, सरकारी स्कूल का वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से दो महीना पहले आई थिंक नवंबर, दिसंबर और जनवरी की अगर बात किया जाए तो हमने 3 महीने लगभग जो है सिर्फ पंचायत में ग्राम स्तर पर जाके वीडियो हमने बनाया है। कम से कम 150 से 200 वीडियो होंगे, आप लोग नीचे जाइएगा स्क्रॉल करके तो आप देख सकते हैं। हो सकता है मेरा वीडियो कम होगा क्योंकि हमने बाद में चैनल को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हमने पहले गांव में जाकर देखा है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं सरकार लॉन्च करती है, जैसे जैसे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तमाम तरह की योजनाएं होती हैं। तो क्या योजना का लाभ ग्रामीण स्तर पर लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ गाँव में जाकर जानने की कोशिश किए हैं और बहुत वीडियो बनाए हैं। उसके बाद लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप जो है एजुकेशन के बारे में दिखाइए, क्योंकि एजुकेशन ही वो जरिया है, वो पहलू है जिससे लोग सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो हम फिर एजुकेशन पे गए, फिर हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया अलग अलग झारखंड के जिलों में जाकर, जैसे 6-7 जिलों में हम लोग अभी जा चुके हैं। तो झारखंड के और भी जिले जो हैं वहाँ हम बहुत जल्द अभी होली के बाद मंडे से हम जाएंगे, और भारत के अलग अलग राज्य से आप लोग हमें कमेंट करते हैं, जैसे बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, अभी हिमाचल से भी लोगों ने कमेंट किया है, और आपका मुंबई से कमेंट किया है लोगों ने, कर्नाटका से किया है, तो और भी जो राज्य है सभी राज्य से कमेंट आ रहा है। तो सभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भी आइए, और बहुत सारे लोग आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। तो व्हाट्सएप मेरा एडिटर चलाता है, हम नहीं चलाते व्हाट्सएप, आप लोग को जानकारी देते। तो पहले तो हम झारखंड कवर कर रहे हैं, झारखंड के सभी जिलों से दिखाने के बाद हम आपका जैसे बिहार हो गया, इधर बाजू में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बहुत लोगों का कहना है कि अब दिल्ली, इस जो दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है सरकारी स्कूल, उसको दिखाइए, बहुत तारीफ करते हैं लोग और बहुत सारा कमेंट्स भी आता है। तो हम दिल्ली भी जाएंगे बहुत जल्द, उसके बाद वहां का हम दिखाएंगे कि वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले तो जो कमेंट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जो निगेटिव कमेंट करते हैं उनको भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमें गालियां देते हैं, उसमें शिक्षक लोग गाली देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लोग गाली दीजिए, आपका हमेशा जो है दिल से हम धन्यवाद ही करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाली दीजिए, उसका कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले जो है अभी अब शिक्षा के बारे में बात हो रही, तो जो भगवंत मान है जो पंजाब के नए सीएम, उन्होंने शपथ के दौरान एक बात कही है कि कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, तमाम तरह की पार्टियां हैं हमारे देश में, अलग अलग राज्य में लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी जिसको कहते हैं, और सेंट्रल में तो आप देख ही रहे हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी है, तो कोई भी पार्टी आपकी गरीबी को दूर नहीं कर सकती है। गरीबी को दूर करने के लिए आपको बेहतर शिक्षा लेना पड़ेगा, बेहतर शिक्षा होगा तभी आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। और सरकार जो है, मुझे लगता है कि सरकार आपको बेहतर शिक्षा देना ही नहीं चाहती है। अगर बेहतर शिक्षा देना चाहती तो झारखंड में 26,000 शिक्षकों के पद खाली है, तो नियुक्ति करवाती, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते, लेकिन नहीं, जहां भी जाइए सभी स्कूल में एक ही समस्या, शिक्षक नहीं है, कंबाइंड क्लास चल रहा है, 7वां 8वां का एक साथ, 5वां 6वां का एक साथ, एक साथ 1 से लेकर 5वां क्लास तक एक साथ चलता है, तो बहुत बहुत ज्यादा समस्या है। तो अभी हम जो है अलग अलग राज्य में भी जाएंगे, और आप लोग हमें ऐसे ही प्यार दीजिए, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत जल्दी हमारे पास सिल्वर बटन भी आने वाला है, आप लोग, वो आप ही लोग का है सिल्वर बटन, हमारा नहीं है, हमारा उस पर कोई हक नहीं, आप ही लोग का है, आपने इतना कम समय में इतना प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम आपको जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे, और हमारा बेसिक जो मुद्दा है वो शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है। इसके बाद अभी हम बहुत जल्दी जो है, अभी हमारे रिपोर्टर 2-4 लोग हम लोगों ने अभी जोड़ा है, तो बहुत जल्द जो है हम शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में और रोजगार के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। वंदे मातरम।